हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर स्टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हमने कहा भी था कि हम आपके एग्जाम्स के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्सोनॉमी से, जिसका जो सब टॉपिक है दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजी का टॉपिक है। केमिस्ट्री की हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास डिस्कस कर ली थी, ये है बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास जिसमें हम टेक्सोनॉमी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कार्लस लिनेनियस वॉज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कि जो बाइनोमियल सिस्टम था कार्लस लिनेनियस का, आपको कुछ कैटेगरीज गिवन है और उनमें से बताना है कि कौन सी कैटेगरीज से वो गया थे, इनमें से कौन सी कैटेगरीज उसमें इनके बाइनोमियल सिस्टम में नहीं थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज, सेकंड इज क्लास एंड ऑर्डर, थर्ड इज फाइलम और फैमिली। तो बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकी उसमें फाइलम और फैमिली नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर बात करें किसकी, कार्लस लिनेनियस की, कार्लस लिनेनियस कौन थे, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट थे एंड फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था किसको, बाइनोमियल सिस्टम, बाइनोमियल सिस्टम। तो अगर हम इनकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू हिज बुक, जिसका नाम था अकॉर्डिंग टू हिज बुक, और जनरली इनका बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनकी बुक का नाम था दैट इज अ सिस्टम है, इनकी बुक का नाम क्या था, दैट इज अ सिस्टम है नेचर है, तो सिस्टम है नेचर इनकी बुक का नाम था। तो इनकी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने तीन किंगडम्स, इन्होंने क्या किया था, तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था, थ्री फोर कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था, तो उसके इन्होंने क्या नाम दे दिया था, दैट इज नोन एज किंगडम। क्या नाम दिया था, किंगडम नाम दिया था। तो लिनेनियस ने क्या किया था, लिनेनियस वॉज प्रपोज थ्री ब्रॉड ग्रुप, उन्होंने तीन ब्रॉड ग्रुप को क्लासीफाई किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था किंगडम। आफ्टर दैट लेटर उन्होंने किंगडम को थ्री पार्ट में कैटेगराइज कर दिया था, प्लांटे, एनिमेलिया एंड मिनरल, प्लांटे, एनिमेलिया एंड मिनरल। एंड आफ्टर दैट इन्होंने किसमें क्लासीफाइड कर दिया, ऑर्डर एंड देन क्लास, आफ्टर दैट जीनस एंड स्पीसीज, जीनस एंड स्पीसीज। तो इनके अकॉर्डिंग फाइलम और फैमिली इनके अकॉर्डिंग इनके सिस्टम में नहीं थे। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू लिनेनियस, जो नेम होता है वो दो टर्म से मिलके बना होता है। अगर हम किसके अकॉर्डिंग बात करें, लिनेनियस के अकॉर्डिंग बात करें, तो नेम इज कंपोज ऑफ, नेम इज कंपोज ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट वन इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज। इनके अकॉर्डिंग कि जो नेम है वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इंडिकेट जीनस एंड सेकेंड टर्म इंडिकेट species. So, अगर हम बात करें according to modern system के according बात करें, तो जो modern system था, यानी कि जो current taxonomic system था, अगर हम करंट टेक्सोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें,
तो इन्होंने क्या किया था, सिस्टम को क्लासिफाइड कर दिया था 8 कैटेगरीज में। तो जो सबसे पहला आता है, तो जो फर्स्ट नंबर पे आता है, दैट इज अ, जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कौन आता है, स्पीसीज। आफ्टर दैट जीनस, ये हम बात कर रहे हैं लोवेस्ट टू हाइएस्ट ऑर्डर में। आफ्टर दैट फैमिली, फिर ऑर्डर, देन क्लास, उसके बाद फाइलम एंड किंगडम, और लास्ट आता है आपका डोमेन। तो अगर पूछ ले एग्जामिनर, जनरली जो पूछा जाता है वो पूछ लेता है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो वो आता है आपका, अगर किंगडम ऑप्शन में है तो आप किंगडम मार्क करेंगे, अगर डोमेन है तो डोमेन। तो मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे फाइलम और फैमिली इंक्लूडेड है, बट अकॉर्डिंग टू कार्लस लिनेनियस उसमें फाइलम और फैमिली नहीं आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। अब एमनियोटा क्या होता है, एमनियोटा इज अ ग्रुप ऑफ लिम्ब वर्टिब्रेट्स। एमनियोटा इज अ ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप होता है, लिम्ब वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग, जिसमें सारे लिविंग, दैट इंक्लूड्स ऑल लिविंग रेप्टाइल्स, जो कौन सी क्लास से है, क्लास रेप्टिलिया, ऑल लिविंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स की क्लास क्या है, एवीज, एंड मैमल्स, इनकी क्लास क्या है, मैमेलिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपका ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज एवीज एंड रेप्टाइल, बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बस साथ में क्या है, मैमल्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सेकेंड इज स्पीसीज एम्फीबिया रेप्टाइल, सेकेंड भी नहीं है। थर्ड इज एम्फीबिया रेप्टाइल एवीज, जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अरोंग, क्योंकि एम्फीबिया भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, यस, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एमनियोटा क्या है, एमनियोटा एक ग्रुप होता है लिम्ब वर्टिब्रेट्स का, जिसमें जितने भी लिविंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं, उसमें ही, उसे ही क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एमनियोटा ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट इज पाइसेस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पोइकिलोथम्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका पाइसेस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनामियोटा। थर्ड ऑप्शन इज एवीज मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथम्स। एंड लास्ट ऑप्शन इज रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जो रेप्टाइल्स एवीज और मैमल्स है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एमनियोटा। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, कि एमनियोट्स में कौन नहीं आते हैं। तो अभी हमने देखा था कौन कौन आते हैं, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज एम्फीबिया, तो एम्फीबिया एमनियोट्स में नहीं आते हैं, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें पूछा डू नॉट इंक्लूड, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, की जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर, की एम्फीबिया एमनियोट्स में नहीं आते हैं, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब क्या है, ये किस में आते हैं, ये आते हैं एमनियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन विच किंगडम्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर, कि बताना है कि कौन से किंगडम में विटेकर ने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था। तो अगर हम बात करें विटेकर की, तो विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969 में। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और इनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ना न्यूक्लियस, तो इनके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द किंगडम्स हैं, जैसे प्लांटे हो गया,
प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, या फिर किंगडम फंजाई हो गया। तो ये सब किससे, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द किंगडम मोनेरा। इसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, कि किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम प्रोटोजोआ को किस में रखते हैं? तो आप सिंपल अगर मैं बात करूं तो पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे प्रोटोजोआ किस में आता है? तो दैट इज प्रोटिस्टा। किसमें? प्रोटिस्टा में। बट अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हम, तो जो प्रोटिस्टा था ये क्या था? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यस, जो प्रोटोजोआ किसमें आता है? प्रोटिस्टा में। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर बट यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, प्रोटिस्टा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th इज हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी इज कॉल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्क्राइब किया था, तो जो टेक्सोनोमी की हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो क्या होती है? किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी। उसके ऊपर भी आता है एक और डोमेन, बट पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो फर्स्ट इज फैमिली, सेकेंड इज स्पीसीज, थर्ड इज डिविजन, एंड फोर्थ इज किंगडम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, किंगडम इज द करेक्ट आंसर। सो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी कौन क्या है? दैट इज द किंगडम। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन थे? दैट इज अ कार्लस लिनेनियस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। कि जो माइकोप्लाज्मा है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है। सो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, और सिंपल अगर शॉर्ट ट्रिक से याद रखो तो एम से माइकोप्लाज्मा, एम से किंगडम मोनेरा। और इसमें क्या आते हैं? ये क्या है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरियाज इंक्लूड्स होते हैं, और इनके पास वेल डेवलप सेल ऑर्गेनल नहीं होते, सेल ऑर्गेनल नॉट प्रेजेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज मोनेरा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो डिस्कवर्ड किया था वो किया था कार्लस लिनेनियस ने। तो ऑप्शन में जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। लिनेनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस बाय। कि बायोलॉजी टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो बायोलॉजी टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी वो की थी लेमार्क ने। कौन से साइंटिस्ट थे? लेमार्क ने बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस की थी। और बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम अलग अलग ब्रांचेस भी पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। सो बायोलॉजी टर्म दी किसने थी? तो वो दी थी लेमार्क ने। तो आपका जो बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, डार्विन जिन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज दी थी, और लिनेनियस कौन थे? जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th इज द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन। कि जो बुक थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वो कब पब्लिश हुई थी? तो जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी 1859 में। और फादर मतलब किसने दी थी? जैसे आप फर्स्ट प्रीवियस में देखे तो डार्विन ने क्या दिया था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक को इंट्रोड्यूस किया था। द
तो अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिस लिनेनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन. कि लिनेनियस ने अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले किस पे पब्लिश किया था, जो उनकी बुक थी. फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम ए नेचुरे, सेकेंड इज स्पीसीज प्लांटेरम, थर्ड ऑप्शन इज जेनेरा प्लांटेरम और फोर्थ वन इज फिलोसफिया बॉटेनिका. तो आंसर जो होगा इसका, दैट इज अ स्पीसीज प्लांटेरम. स्पीसीज प्लांटेरम में लिनेनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया था. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज द वर्ड स्पीसीज वॉज कॉइन्ड बाय. कि जो वर्ड स्पीसीज है वो किसके द्वारा दिया गया था. फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन रे, सेकेंड इज मेयर, थर्ड इज जे हक्सले एंड फोर्थ इज कार्लस लिनेनियस. तो जो वर्ड स्पीसीज दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था जॉन रे ने. तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज. टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे, तो वो थे कार्लस लिनेनियस. ऑप्शन चेक करते हैं, डी केंडोले, बी इज होकर, सेकेंड इज लिनेनियस एंड फोर्थ इज एरिस्टोटल. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज लिनेनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. जो लिनेनियस सिस्टम था किसके ऊपर, ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो वो बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर. वो किसके ऊपर बेस्ड था, फ्लोरल कैरेक्टर्स. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर, इनकरेक्ट. सेकेंड इज इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, इनकरेक्ट. जो आपका सी ऑप्शन है, फ्लोरल कैरेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर. तो ये थे कुछ 15 क्वेश्चन जो हमने टेक्सोनॉमी से डिस्कस करे हैं. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.